नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवे। दरभंगा के विकास और छात्रों के साथ आम जनता की मदद के लिए बिहार मिथिला न्यूज का प्रयास लगातार जारी है। हम कभी दरभंगा की क्षमता के लिए टॉप 10 हॉस्पिटल और डॉक्टर को दिखाते हैं, तो कभी छात्रों के हित में टॉप 10 स्कूल का। इसी के क्रम में हम आज आपको दिखा रहे हैं दरभंगा में तेजी से विकसित और चर्चा में आने वाला स्कूल, दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल, जिसे अनुभव और योग्यता से प्राप्त डॉक्टर लाल मोहन झा और उनके पुत्र विशाल गौरव ने सींचा है। यह विद्यालय अंग्रेजी माध्यम से छात्र छात्राओं के करियर को संवारते हुए समर्पित शिक्षकों के सहयोग से दरभंगा में टॉप 10 में शामिल है। देखिए एक रिपोर्ट। मेरा उद्देश्य अभी वर्तमान में है कि जो एजुकेशन का लर्निंग लॉस जिसको हम लोग कहते हैं कि वो हुआ है कोविड की वजह से, क्योंकि हैविंग सेड कि हम लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन में क्या किया, ये भी एक सच्चाई है कि ऑनलाइन एजुकेशन की अपनी सीमाएं हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं, अपनी चुनौतियां हैं। और वो जो क्लास में जो पढ़ाई होती है, अगर 100% में कहूँ कि वहाँ पर उसका प्रभाव उतना ही होता है, तो शायद ये अतिशयोक्ति होगी, उतना नहीं हो सकता है। तो जो लर्निंग लॉस हुआ है बच्चों का, उसको किस तरह मैं कवर करूँ एज एन इंस्टीट्यूशन, किस तरह हम लोग फास्ट कवर करें, ये हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है। और हम लोगों ने स्टेप्स लिया है इसके लिए। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। 1 सितंबर के आसपास स्कूलों को खुलने की अनुमति मिली थी, जो कोविड का वेव सेकेंड आया था उसके बाद, और उस दिन से लेकर के आज तक हर एक दिन हमारे यहाँ बच्चों के लिए दो चीज़ ज़रूर कराई जाती है। पहली चीज़ जो बच्चों का टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट इसलिए नहीं है कि मैं जान सकूं कि बच्चों का लेवल क्या है, टेस्ट इसलिए है क्योंकि टेस्ट के बहाने दो चीज़ होती है। एक, बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा गंभीरता से प्रैक्टिस करते हैं, और दूसरी उनको रिटन प्रैक्टिस की या उनको रिटन आंसर्स लिखने की उनकी प्रैक्टिस होती है, जो कि 2 साल में एक तरह से जंग लग चुका है। इस चीज़ करते 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 और अब जाकर के हमारे यहाँ 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि उस लेवल पर पहुँच चुके हैं, जहाँ कि मैं बड़े कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि वी आर बैक, जो रहे वो है हैंडराइटिंग। छोटे बच्चों के लिए हैंडराइटिंग हैज़ बीन अ वेरी वेरी बिग लॉस। मैं दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट बताता हूँ, जहाँ वो कह रहे हैं कि 66% स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग में ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट हुई है, यानी बहुत ज़्यादा उनका हैंडराइटिंग का जो क्वालिटी है वो डिटेरिएट किया है। देखिए, मैं स्कूल की बुलंदी मानता हूँ अपने छात्रों की बुलंदी को। अगर छात्र यहाँ पर कामयाब हो रहे हैं, अगर गार्जियन अपने छात्रों की, जो उनके बच्चे हैं, उनके एजुकेशन से संतुष्ट हो रहे हैं, तो मेरे लिए वही बुलंदी है, वही कामयाबी है। और जो भविष्य, जहाँ तक आपका सवाल है कि भविष्य में मैं किस तरह से देखता हूँ, तो मैं ये दो चीज़ें मान के हमेशा चलता हूँ कि आप आज के दिन में जो बच्चों को हम लोग जिस तरीके से तैयार कर रहे हैं, वो तैयार कर रहे हैं शायद आज से 15 साल बाद के लिए। वो मेहनत से जी नहीं चुराना सिखाना है, क्योंकि एक मेहनत ही ऐसी चीज़ है, एक किसी चीज़ के प्रति शिद्दत से, डिसिप्लिन से काम करना ही ऐसी चीज़ है, एक रियाज ही ऐसी चीज़ है जो कि आज भी कंटेक्चुअल है, 2000 वर्ष पूर्व भी कंटेक्चुअल थी, और आज से कई सदी बाद भी कंटेक्चुअल रहेगी। फादर का ट्रांसफ़र हो जाएगा या वो किसी और कारण से, मान लीजिए यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं, तो इस तरह से जैसा हम लोगों ने देखा है कि 25 से 30 मात्र हमारे पास सीटें होती हैं हर एक साल, जो कि बच्चे छोड़ते हैं उनकी जगह जो अवेलेबल सीटें होती हैं। DJPS या दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल वॉज द फर्स्ट स्कूल इन नॉर्थ बिहार टू स्टार्ट ऑनलाइन एजुकेशन। हम लोगों ने अप्रैल के पहले हफ्ते में 2020 में ऑनलाइन एजुकेशन को स्टार्ट किया था, और जब हमने स्टार्ट किया था ऑनलाइन एजुकेशन को, उस टाइम पूरे उत्तर बिहार में किसी भी स्कूल ने इस चीज़ को स्टार्ट नहीं किया था। और हम लोगों ने जब इसकी शुरुआत की थी, उस वक्त हमारे टीचर्स 150 से अधिक घंटों की तैयारी करने के बाद उन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया था, और हम लोग बिना रुके, बिना थके और बिना किसी भी गैप के इस ऑनलाइन एजुकेशन को हमने कंटिन्यू किया, और बहुत ही तमीज से, बहुत ही सीरियसली और बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ ऑनलाइन एजुकेशन को प्रोवाइड किया। एग्जामिनेशंस ऑनलाइन चली हैं। जब जब ऑफलाइन की इजाज़त मिली सरकार से, हम लोगों ने ऑफलाइन किया। ऐसे भी हमारे पीरियड्स आए जिसमें कि हम लोगों ने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को साथ में प्रोवाइड किया। 10 आवर्स टीचिंग आवर्स हम लोगों ने, एक टाइम था जबकि 10 घंटे टीचिंग आवर्स हुआ करते थे हमारे, यानी कि
सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक या सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो स्कूल में रहा करते थे। आई थिंक आई एम रियली थैंकफुल, सबसे पहले तो मैं कृतज्ञ हूँ अपने टीचर्स का, जिन्होंने मुझे लगता है कि जो उन्होंने संभव करके दिखाया है, आई थिंक जिसको कॉल ऑफ द ड्यूटी कहते हैं कि जब कर्तव्य की पुकार थी तो शायद उन्होंने इतने इतने बढ़िया तरीके से और इतने शिद्दत के साथ इस चीज़ को निभाया है, जिसके लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इतिहास में इस पूरी कैटेगरी को और इस पूरी श्रेणी को याद रखा जाए। हमारे पास कंप्यूटर लैब है और करीब 50 कंप्यूटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं उस लेबोरेटरी में। ऑन एन एवरेज मेरे पास एक सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स होते हैं, तो हमेशा जो भी सेक्शन का कंप्यूटर क्लास होता है उससे ज़्यादा कंप्यूटर वहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल होता है। कंप्यूटर के टीचर्स हैं जो वेल क्वालिफाइड है और जो लेटेस्ट वर्जन्स होता है, जैसे जो भी मान लीजिए अपडेट्स होते रहते हैं लेटेस्ट वर्जन्स के, वो सारा कुछ वहाँ पर इंस्टॉल है। कोशिश करते हैं हम लोग कि प्रैक्टिकल क्लासेस मैक्सिमम हों कंप्यूटर की, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जिसमें पर्सनली मुझे लगता है एज एन एजुकेशनल हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कि बहुत ज़्यादा थ्योरी का वैल्यू है नहीं, और इट इज़ लाइक मोटर ड्राइविंग, कार चला। कोई भी चीज़ को मैं व्हाट से ज़्यादा हाउ पे एम्फेसाइज करता हूँ। ऑनलाइन शिक्षा का महत्व कितना है, इससे ज़्यादा मेरे लिए रेलेवेंट क्वेश्चन ये है कि ऑनलाइन शिक्षा को कैसे प्रदान किया जाता है। हमने ऑनलाइन क्लासेस में तमाम इस देश में फेलियर स्टोरीज देखी हैं और ऑनलाइन क्लासेस में हमने इसी देश में तमाम सक्सेस स्टोरीज भी देखी हैं। दो चीज़ यहाँ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन कैन नॉट बी ए सब्स्टिट्यूट फॉर ऑफलाइन, विकल्प नहीं हो सकता है, बट ऑनलाइन इज डेफिनेटली अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑफलाइन क्लासेस, यानी पूरक है ये। जब जब आपकी मान लीजिए कोविड के दौरान 2 साल में जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी इस महामारी ने, अगर हमारे पास ऑनलाइन एजुकेशन नहीं होता तो शायद जो लॉस हुआ उसके कई गुना ज़्यादा लॉस हुआ होता। 100 के आसपास स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, लगभग 37 to 38 टीचर्स हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ लगभग 12 के आसपास है हमारे पास। हम लोग 2 से 3 चीज़ें देखते हैं शिक्षकों में। एक तो टेक्निकल जो उनकी क्वालिफिकेशंस होती हैं, यानी बीएड या डीएलएड, 2 में से 1 डिग्री उनके पास होनी चाहिए। दूसरी फ्लुएंसी इन इंग्लिश, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों का कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम स्कूल है और इसीलिए किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है किसी भी शिक्षक के यहाँ ज्वाइन करने के लिए। और इसके अलावा हम लोग उसका जो नॉलेज है सब्जेक्ट का उसको चेक करते हैं, और एक बेसिक एटीट्यूड जो होता है कि टीचर लाइक एटीट्यूड होना चाहिए, ये चीज़ हम लोग चेक करते हैं। इसका बहुत ही जो प्रोसेस है, इसमें पहले रिटर्न राउंड होता है, फिर एक इंटरव्यू होता है और लास्ट में इसका डेमोन्स्ट्रेशन क्लास होता है। नामांकन के समय जो हमारी फीस का आधार है, ये हम लोग पूरी तरह से जो बिहार शिक्षा नीति है जो कि आज से करीब 3 साल पहले लागू की गई है, जिसमें कि आधार बनाया गया है कि जो निजी विद्यालय हैं उनको 7% अपनी फीस बढ़ाने की इजाज़त है, हम लोग एग्जैक्टली उसको फॉलो करते हैं। हर एक साल हम लोग 7% की ही फीस में बढ़ोतरी करते हैं। अगर आप रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं तो हम लोगों का रिजल्ट तो मुझे लगता है कि ये 100% जो रिजल्ट होता है वो कई स्कूलों का होता है यहाँ पर CBSE में। जिस तरह से अभी एग्जामिनेशन लिए जा रहे हैं पिछले 2 साल से, जहाँ की जो प्रीवियस मार्क्स हैं उसको आधार बना के लिया जा रहा है, तो दैट आई डोंट थिंक इज़ अ राइट बेंचमार्क, बहुत सही वो आकलन करने का तरीका शायद नहीं होगा। लेकिन अदरवाइज हमारा रिजल्ट हमेशा और केवल एकेडमिक्स में नहीं, जैसे कि जो भी अदर एक्टिविटीज़ में भी जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं या कोई शहर के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, वहाँ पर हमारे अव्वल स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस रहता है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है लेकिन बहुत लिमिटेड है हमारे यहाँ। DJPS जो रामबाग में हमारा स्कूल है, दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल, यहाँ लिमिटेड है। दरभंगा पब्लिक स्कूल जो दिल्ली मोड़ में है, वहाँ हमारे पास टोटल 32 व्हीकल्स है, 32 गाड़ियाँ हैं, वहाँ के लिए हम लोग कंप्लीट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस तरह का एक जो प्रोग्राम है उसको कंडक्ट कर रहे हैं आप लोग। मैं मनोज जी का और मिथिला न्यूज़ का बहुत पहले से ही कायल रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि नया सोचने की और नया करने की जो इच्छा और प्रवृत्ति मिथिला मंच का रहता है, ये पर्सनली मुझे बहुत एक्साइट करता है, क्योंकि
ये जैसे अभी जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, हम लोगों को सीखने का मौका भी मिलता है। जिस तरह आप हमारे लिए आज हमारे स्कूल में ये प्रोग्राम आप कंडक्ट कर रहे हैं, आई एम श्योर कि जो आपकी लिस्ट में जो दूसरे टॉप 10 स्कूल्स आप कह रहे हैं कि दरभंगा जिले के टॉप 10 स्कूल्स का आप इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, जो जिले के दूसरे स्कूल होंगे जो इस लिस्ट में शुमार होंगे, आई एम श्योर कि वहाँ भी आप जाएंगे। और मैं पर्सनली देखूंगा, क्योंकि मैं सुनना चाहूंगा वहाँ के प्रिंसिपल्स को, वहाँ के डायरेक्टर्स को, कि वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि सीखना जो है वो हमेशा चलते निरंतर चलते रहना चाहिए, और मुझे भी सीखने का बहुत मौका मिलेगा जब मैं दूसरे स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं और डायरेक्टर्स हैं उनको मैं बोलते सुनूंगा, उनके पर्सपेक्टिव को जो आपके माध्यम से वो मंच पर लाएंगे उनको जानने का मौका मिलेगा। सो आई थिंक इट इज़ अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव एंड आई एम रियली थैंकफुल। बहुत बहुत धन्यवाद।